हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारे डेट 1 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके अंदर आज हम जानेंगे कि दृष्टि के लिए, देखने के लिए हमारे पास दो नेत्र क्यों हैं, दो आँखें क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं है। तो देखो इसके क्या कारण है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? एक तो इससे हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, जो देखने का क्षेत्र है आपका वो ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा डिस्टेंस हम देख सकते हैं, है ना। तो मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री का होता है। एक आँख से आप 150 डिग्री तक देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों आँखें हैं तो दोनों नेत्रों से हम क्या देख सकते हैं, 180 डिग्री के लगभग देख सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु, कोई डिम लाइट में है या फिर कोई धुंधली सी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए सुसंचरण की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब एक की बजाय दो से हम देखते हैं वो, तो हम उसको इजीली उसको क्लियर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें अलग अपोजिट डायरेक्शन में उनकी आँखें होती है, उल्टी दिशा में उनकी आँखें होती है दोनों, ठीक है। तो जिससे क्या करते हैं वो, उन्हें जैसे उल्लू है अपना मुँह पलट लेता है वो, तो वो तो हम तो 180 देख पाते हैं, वो तो चारों तरफ का देख लेता है, 360 डिग्री देख लेता है वो, है ना। तो उनकी अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सकती है उनको, तो इसलिए। लेकिन हमारे जो दोनों नेत्र हैं सर पर सामने की ओर स्थित हैं, सामने की ओर स्थित हैं, तो इससे हमारा जो मतलब इस प्रकार का जो हमारा दृष्टि क्षेत्र है उससे कम हो जाता है, लेकिन त्रिव्यम चाशुका का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए आपको संसार चपटा केवल दिव्यम लगेगा, दोनों नेत्र खोलिए आपको संसार की वस्तुओं में गहराई का तीसरा विमा दिखाई देगा। मतलब एक आँख से देखोगे तो आपको टू डायमेंशनल चीज़ें दिखेंगी, गहराई नहीं दिखेगी, ठीक है। दिखेगी मतलब उसको इतने अच्छे से आप टू डायमेंशनल में आपको चीज़ें आप एनालाइज कर पाओगे, लेकिन आप दोनों आँखें खोलते हो तो थ्री डायमेंशनल गहराई आप उस चीज़ को देख पाओगे, कितना दूर है कितना पास है, ये चीज़ें आप इनका वो कर पाओगे अध्ययन, ठीक है। तो हमारी नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। दोनों आंखों में थोड़ा डिस्टेंस है तो अलग अलग हमें दो इमेज बनती है। दोनों में इमेज को जो मस्तिष्क है ना वो उन दोनों प्रतिबिंब को क्या कर लेता है, संयोजन कर देता है, उनको मिला देता है और एक प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। तो इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या कितनी दूर है, ठीक है। तो ये सारे लाभ हैं किसके, कि हमारी दो आँखें होती है उसके, ठीक है। अब देखो नेत्रदान, दूसरा टॉपिक है नेत्रदान। अब आँखें दान करने के लिए, अब हमारी जो मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात भी आँखें हैं वो जीवित रहती हैं कुछ वक्त के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। कैसे? तो देखो नेत्रदान करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या हैं वो बातें? पहला, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है, लड़का लड़की हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, ठीक है। दूसरा, चश्मे पहनने वाला या मोतीबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। किसी को चश्मे चढ़े हुए हैं या फिर मोतीबिंद किसी ने आँखें बनवा रखी हैं तो वो भी आँखें नेत्रदान कर सकते हैं। किसी को मधुमेह है, शुगर वगैरह, या उक्त उच्च रक्तचाप है, ठीक है, बीपी वगैरह है हाई, या फिर दम के रोग हुए, दमा हो जाता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, या भी व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, वो नेत्रदान कर सकते हैं। उसके बाद मृत्यु के पश्चात, जैसे ही मृत्यु होती है उसके चार से छः घंटे के बीच में आँखें हैं वो निकाल ली जानी चाहिए। उसके मतलब जो भी आसपास समीप में नेत्र बैंक है उनको सूचित करना है जैसे ही मृत्यु होती है किसी की भी, ठीक है। तो नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी, घर पर भी या फिर हॉस्पिटल में भी, जहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे वहीं से वो आपके जो नेत्रदान आपको करना है कर सकते हो। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट लगता है समय। ये बिल्कुल सरल सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार का निरूपण नहीं होता। आपकी बॉडी है कहीं से भी जैसे ऐसी की ऐसी रहती है, कोई भी बॉडी पे वो डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। एक पेयर है जो आंखों का एक जोड़ा है वो 4 व्यक्ति की दृष्टि में हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये नेत्रदान के कुछ पॉइंट थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। पहला प्रश्न है, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, दो आँखें क्यों हैं हमारी। तो अभी अभी हमने किया था, तो इसमें हम लिखेंगे दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं। लिखे हुए आप इसलिए हैं क्योंकि इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ठीक है, हम ज़्यादा देख पाते हैं।
पाते हैं, वाइडर व्यू देख पाते हैं। दूसरा, किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जो डिम लाइट में है या कोई कुछ धुंधली चीज़ें, उनको हम एक की बजाय दो आंखों से ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे क्वेश्चन में पूछता है नेत्रदान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखो, मैंने इसका आंसर टाइप नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी टाइप है, यहाँ पे बस ये लिखना है आपको, नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। दूसरा, चश्मा पहनने वाला मोतीबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। तीसरा, मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। और चौथा, मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे के भीतर आँखें निकाल ली जानी चाहिए। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको लिखने, नीचे के नहीं लिखने, सिर्फ ये पॉइंट आपको लिखने। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। कर लोगे यहाँ से, अलग से तो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक साथ है सारा का सारा, जो जिस पे मैंने लाइन लगा रखी है सिर्फ वो लिखना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके पूरे होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।